ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बच्चों कैसे हो? मैं अब आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा यूनिट 5 डेटा एनालिटिक्स का। अच्छा, इसको भी मैं पार्ट्स में करूंगा क्योंकि इस आपके सिलेबस को मैं एक बार दिखा भी दूंगा आपको मैं। और सिलेबस में दो पार्ट्स हैं। मेन पार्ट फोकस कर रहा है हडूप, बिग डेटा, एच बेस, हाइव, पिग, इसके ऊपर कर रहा है। अच्छा, ये उन्होंने एकेटी ने भर दिया है बस, तो मैं सिर्फ आपको हाईलाइट बताऊंगा और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए उसके लिए आपको। हाईलाइट ही काफ़ी आपके लिए, और कुछ ज़्यादा जानने की या समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि थियोरेटिकल है सारा। और हडूप आर्किटेक्चर पर अगर आपको काम करना है मैं आपको करा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको हडूप का जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो चाहिए होगा, और वो वर्चुअल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी आपको उसको काम करने के लिए। अगर अनलेस अनटिल आपके सिस्टम में ऐसा है तो हम काम कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन के थ्रू काम कर सकते हैं। वर्चुअल बॉक्स में डाउनलोड कर लूँगा, उसके थ्रू काम हो सकता है। पर अभी के लिए मैं आपको बताऊँगा, सीधा मैं ले चलूँगा। पहले तो इंट्रो देख लो, इंट्रो के बाद हम करेंगे हडूप की डिस्कस करेंगे, इधर शॉर्ट में है। और ये मेरा नहीं है, मैंने नहीं किया, मैंने पढ़ा, जिससे पढ़ा उसका इंस्पिरेशन मैं आप दे दूंगा, तो उसके बाद मैं आप रख दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं प्लैगरिज्म नहीं चाहता, मैं साइट करूंगा उस पर्सन को जिन्होंने इतनी मेहनत की है, मुझसे पहले बहुत बढ़िया मेहनत कर रखी है, तो मैं उन पर्सन का मैं शुक्रगुजार हूं, और आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं। तो बिना कोई देर करें लेट्स रोल द इंट्रो। ओके देन, इंट्रो भी लोड हो चुका है। अब आपको मैं यहाँ पर दिख भी रहा हूँ अच्छे से आपको। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा व्हाट इज हडूप। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा हाथी जो हमारा है, ठीक है? मैं एक अगेन इसको मैं एक और काम कर देता हूँ, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, तो मैं इसकी पहले मैपिंग कर दूँ मैं। ओके, मैपिंग कर देता हूँ, पेन सेटिंग्स, सॉरी मैपिंग करनी पड़ेगी। मैपिंग में यहाँ पर मॉनिटर 2 कर दूँ ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ओके ओके सॉरी ओके अब हडूप है क्या? देखो, लेट्स अंडरस्टैंड हडूप। हडूप पे सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हडूप है क्या, इट्स अ, मैं डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? डेटा एनालिटिक्स के हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स का आपका KCS 051 KIT यूनिट नंबर 5, ठीक है? अब इससे हम जैसे बात कर रहे हैं, देखो इट्स एन अपाचे बेस्ड ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, ठीक है? और इसमें जावा पे इम्प्लीमेंटेड होता है ये, ठीक है? तभी जावा बहुत पॉपुलर है, जिसका इस्तेमाल कौन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज HDFS के माध्यम से, जो कि जिसकी ज़रूरत और पड़ती है। ये जो HDFS यूज़ करता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, और किसके माध्यम से करता है, मैप रिड्यूस। इसका कॉन्सेप्ट बताऊँगा, एक सिंपल सा शॉर्ट सा एनिमेशन है वो मैं आपको दिखा दूँगा। एनिमेशन नहीं, वो एक्चुअल स्टिल इमेज है, मैं एनिमेशन चाह रहा था बट एनिमेशन इसमें आ नहीं सकता। किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, बिग डेटा के लिए। अब बिग डेटा में आपके पास 5 V's आते हैं यहाँ पर, 5 V's, ठीक है? ये 5 V's की बात भी हम आपको बता दें, और नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताया ना, मैं आपको वहीं मेंशन कर दूंगा, नहीं तो मैं बता भी देता हूँ, आप थोड़ी देर आपको बता दूंगा। ओके, अब इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास, हमें जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपकी ये सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग चाहिए होती है इसको करने के लिए, ठीक है? इसको प्रोग्रेसिव प्रोसेसिंग भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव, ठीक है? आगे बढ़ते रहो, करते रहो। और चूंकि हमारे पास क्या है, एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज हो रही है, तो हमारे पास जो अलग अलग नोड्स हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हैं, वो कनेक्टेड होते हैं हमारे, ठीक है? और किसी एक जगह स्टोर नहीं रहेगा, अलग अलग जगह स्टोर रहेगा। अगर कोई फाइल है, सपोज करेगा मेरे पास अगर 150 MB की फाइल है, तो ये 150 MB मेरा कई भाग में पटेगा। अब जैसे 10 times बटेगा, अगर मान लो ये चार बार बट गया तो आपका इसको डिवाइड बाय 4 अपन कर दे, तो ये अपना आ जाएगा 2, इसका ये 4 के हिसाब से देखें, मेरी मैथ्स वीक है बच्चों, बता रहा हूँ, चलो 160 कर देते, इसको 160 से आसान रहेगा, तो 40 MB के हमारा पार्टीशन बन जाएंगे। तो ये 40 MB मेरे चार जगह स्टोर होगा, यहाँ 40 स्टोर हुआ, यहाँ 40 स्टोर हुआ, यहाँ 40 स्टोर हुआ, यहाँ 40 स्टोर हुआ। तो इस तरीके से आपका ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटेड को समझने के लिए कि आप इनकी जो प्रोग्रामिंग होगी वो काफ़ी सिंपल होनी चाहिए, ताकि क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो ऑलरेडी हो ही गया, बड़ा डेटा है, क्योंकि 5 V's की बात हो रही है। और 5 V's में कौन कौन से आते हैं, आपका वेलोसिटी, डेटा बहुत स्पीडी से आ रहा है, वॉल्यूम बहुत हैवी बल्कि डेटा है, ठीक है, वॉल्यूम आ गया, ठीक है? और फिर आपके पास आ गया वराइटी ऑफ डेटा है, तो वराइटी आ गया,
वैरायटी आ गया, तो वैरायटी ऑफ डेटा आ गया। फिर आपका आ गया कि डेटा आपका कितना सही है, अगर जो आपका डाटा आ रहा है तो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई गलत रीडिंग तो नहीं आ रही, तो आ गया वेरासिटी। ठीक है, ये IoT के इंट्रोड्यूस होने के बाद आया वेरासिटी। अच्छा, अब वेरासिटी तो हो गया, ठीक है, अब डेटा मेरे लिए कितना अहम है, कितना काम करेगा मेरे लिए डेटा, तो पांचवा वी जो आता है वो आता है, मतलब वैल्यू फॉर मनी हम कहते हैं ना, तो पांचवा वी आ जाता है वैल्यू। तो पांच वीज आपके बिग डेटा के ये हो गए, वेलोसिटी, वॉल्यूम, वैरायटी, वेरासिटी मतलब ट्रूथफुलनेस, और वैल्यू कितना सही है डेटा मेरा, कितना विश्वास कर सकता हूँ, कितना भरोसा कर सकता हूँ। तो प्रोग्रेसिव और लोकल कॉम्पिटिशन स्टोरेज का हो गया आपका ये 40-40-40 पे लोकली स्टोर हो गया हमारे पास, और जो कॉम्पिटिशन भी होगा वो लोकली होगा, उसके बाद इकट्ठा होगा। तो ये हडूप का सिंपल सा फंडा है, और इस पूरे आर्किटेक्चर को, इस पूरे आर्किटेक्चर को मैं एक साथ एक डेफिनेशन में लिखने का प्रयास करता हूँ। देखो नेक्स्ट मैं पेज पे जाता हूँ, तो नेक्स्ट में अगर मैं गया तो देखो ये आपको देखने को मिलेगा, इट्स एन अपाचे बेस्ड। अपाचे ने क्या किया, 2012 में इसको पब्लिक कर दिया था अपाचे ने, तब से नाम अपाचे जुड़ गया इसके साथ, अपाचे हडूप हो गया। एक्चुअली हडूप बन तो गया था 2005 के अंदर, क्योंकि 2001 जो बीच में आया था, 2001 के समय इंटरनेट एक्सप्लोडेड। ठीक है, मैं उसमें किस उसमें ईयर में था मैं बताता हूँ, 2004 में मैंने 10th की थी, 10th के 3 में 9th, फिर 2 में 8th और 7th, हाँ मैं 7th क्लास में था उस समय, आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड एट द टाइम। तब उस समय इंटरनेट एक्सप्लोर किया कर गया था पूरे वर्ल्ड में, तो डेटा बढ़ गया था, तो अब इतने बड़े वास्ट डेटा को स्टोर कैसे करें, कैसे काम करें, तो वो करने के लिए हमारे पास जरूरत पड़ेगी। 2005 में आया हडूप, हडूप आया, और हडूप लेकर आया याहू मैसेंजर था, याद है, अब जो 90s किड होंगे उनको पता होगा याहू मैसेंजर बहुत चला था, याहू सर्च इंजन बहुत चला था, गूगल इतना पॉपुलर नहीं था उस समय, गूगल सर्च इंजन इतना पॉपुलर नहीं था, याहू सर्च बहुत चल रहा था उस समय। तो याहू लेकर आया था हडूप को 2005 के अंदर, फिर 2012 आते आते तो तब तो अपाचे ने इसको ले लिया, अपाचे ने लेके इसको पब्लिकली पब्लिक के इस्तेमाल के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, GPL ले लिया, जनरल पब्लिक लाइसेंस। ठीक है, तो जनरल पब्लिक के लिए या जनरल पर्पज़ लाइसेंस ये कर दिया था, आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर सब इस्तेमाल करते हैं। तो अपाचे बेस्ड ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, ठीक है, ओपन सोर्स है मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इम्प्लीमेंटेड इन जावा में इम्प्लीमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज है जिसके पास, और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है MapReduce के माध्यम से, जो सपोर्ट करता है बिग डेटा को, जो पांच वीज मैंने बताए थे वो सपोर्ट करता है सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल को, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग को, और लोकल कंप्यूटेशन और स्टोरेज सबको इनको सपोर्ट करता है। और मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये मैंने नहीं लिखा, ये इस पर लिखा है, और ये डेफिनेशन मेरी भी नहीं है, ये फर्स्ट कॉमेंट है इसी वीडियो का, एक फर्स्ट कॉमेंट है जो उस वीडियो का थंबनेल में आपको नीचे यहाँ पर दिया है, उसका लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप ये लिंक आपको टाइप करना पड़ेगा या सर्च कर लो व्हाट इज हडूप, ये 5 मिनट्स इंजीनियरिंग का आपको वीडियो मिल जाएगा, ये इसने बंदे ने 5 मिनट के अंदर ही सब अच्छे से समझा दिया, सच में 5 मिनट में इंजीनियरिंग करा देगा ये बंदा। काश मैं 5 साल पहले इंजीनियरिंग कर रहा होता तो मैं इसकी वीडियो देखता, सच में मैं इंजीनियरिंग करे हुए, मेरे को 2010 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, 2010 में, 2006 से 2010, तो अगर तभी मिलता बंदा तो बहुत अच्छी बात है, या तब मैं शुरू करता पढ़ाना तो और अच्छी बात होती, लेकिन मैंने बाद में शुरू किया। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके ये सोर्स मैंने यहाँ पर दे दिया है, तो भाई 5 मिनट्स इंजीनियरिंग साहब कॉपीराइट मत देना, मैंने आपको साइट किया है, ठीक है, और आपके एफर्ट्स की वजह से मैं अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट आ गया, ये देखो मैं यहाँ पर हडूप का इकोसिस्टम बता रहा हूँ, जो हडूप बताया था, तो MapReduce जो इस्तेमाल होता है वो आपको होता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए। ओके, ये स्लो हो रहा है, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए यार्न होता है, येट अनदर रिसोर्स निगोशिएटर, ये हो गया येट अनदर स्लो हो जाता है Yet another resource negotiator,
तो रिसोर्स को मैनेज करना, रिसोर्स से निगोशिएट करना, ठीक है, ये यार्न काम आता है। मैं इसका पूरा नहीं बताऊंगा, पर ये क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे, क्योंकि आपका जो जो मैंने आपको ये बताया था ना, जो डायग्राम बनाया था आपको, ये वाला, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज का, ये एक एक क्या है, हमारा क्लस्टर है, ये एक एक क्लस्टर, और इस पे फ्लूम होता है आपका डेटा कलेक्शन के लिए, स्कूप होता है डेटा कलेक्शन, ये आपका डीबीएमएस, आरडीबीएमएस से हो रहा है, आरडीबीएमएस, ठीक है, इसको मैं रेड से लिख देता हूँ, आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस, ठीक है, और ये आपका आ रहा है एक्सेल से डेटा, अगर आ रहा है, ठीक है, एक्सेल से आ रहा है या दूसरे सोर्सेज से डेटा आ रहा है, तो ये आपका डेटा कलेक्शन आपका दूसरे सोर्सेज के, या सोशल मीडिया से अगर मुझे डेटा लेना है, ठीक है, सोशल मीडिया, ठीक है, और आपका एचडीएफएस आपका ये हो गया, दिस इज योर एचडीएफएस हो गया हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। बाकी इसमें आपके पास जो सिलेबस के अंदर एक अपाचे पिग का छोटा सा दे रखा है, जो इसकी प्रोग्रामिंग लिखी जाती है अपाचे पिग में लिखी जाती है, ये छोटा सा ये पिग है। एसक्यूएल में अगर आपको काम करना है, एसक्यूएल क्वेरी रन करनी है, तो अपाचे हाइव का आप काम आता है, तो ध्यान रखना हडूप का जो अपाचे हाइव जो है वो काम आता है एसक्यूएल क्वेरी के लिए, पिग काम आता है स्क्रिप्टिंग के लिए, मतलब प्रोग्राम लिखने के लिए, फिर मशीन लर्निंग लगानी है तो महाउट काम आता है, अपाचे महाउट, ठीक है, और एच कैटेगलॉग आपका टेबल और स्कीमा मैनेजमेंट के लिए, टेबल वगैरह मैनेज करने के लिए, और एच बेस आपका काम आता है कॉलमनर स्टोरेज के लिए। अब रो स्टोरेज जो आपका कर रहा है, वो रो स्टोरेज ये मैनेज कर रहा है, टेबल रो के फॉर्म में या रिलेशन के फॉर्म में आपका स्कूप मैनेज कर रहा है, ठीक है, पर उसको कॉलम में अगर मुझे डालना है, वर्टिकल स्टोरेज अगर करनी है, कॉलमनर स्टोरेज, तो हमारा एच बेस काम आता है, ठीक है। तो ये हडूप का इकोसिस्टम है, ठीक है, ये सोर्स मैंने आपको दे दिया, कहाँ से निकाला, डेटा फ्लेयर वालों से निकाला है मैंने, ठीक है, इनके ट्रेनिंग अच्छी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इनका चैनल भी बहुत अच्छा है, चेक कर लेना इनके। ओके, आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैप रिड्यूस, मैप रिड्यूस है क्या फंडा, देखो मैप रिड्यूस का फंडा हमारा आता है सिंपल सा, ये रिव्यू और रेटिंग का हमारा ये छोटा सा यहाँ पर दे रखा है। अब जैसे रिव्यू है, अब रिव्यू में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसकी रेटिंग दे रखी है, रिव्यू एंड रेटिंग दे रखी है अपन को, और इस पे अपन को क्या है, सिंपल कुछ नहीं करना है, ओके नथिंग चार दिस। अब क्या करना है, 4, 2, 3, 3 इनको हमने मैप कर लिया, ठीक है, सिंगल रिव्यू है, एक एक रिव्यू को हमने ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, हमने इनको इकट्ठा कर लिया, शफल एंड सॉर्टिंग कर ली, हमने सॉर्टिंग कर ली और शफल कर लिया, तो हमने क्या किया, 1, 2, 3, 4 हमने 5 ले लिए, तो 1 से लेकर 5 तक की रेटिंग है। एक वाली रेटिंग कितनी बार आ रही है, 2 बार 1 आ रही है, 1 बार ये आ रही है 1 आ रही है, ठीक है, 1 एक आ रही है, 1 बार आ रही है, ठीक है, आई थिंक 2 बार आ रही होगी, इससे 2 बार कर दिया इसको, ऐसे अब एक और आगे होगा 1 वाला, ठीक है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ, और भी होगा कि बेहद बकवास खाना, ठीक है, बकवास क्या है, होटल का बेहद बकवास खाना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, होटल की तारीफ नहीं करनी मुझे, तो उसे बेकार रेटिंग देनी है, ये आपका डबल कोट्स में आ गया और रेटिंग मैंने 1 दे दी, तो 1 वाली मेरी रेटिंग 2 हो गई यहाँ पर, ठीक है, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, 2 रेटिंग हो गई, फिर 2 वाली रेटिंग भी हमारी 2 होंगी, ठीक है, 2 वाली रेटिंग भी हमारे 2 है, 2 रेटिंग दे रखी है, 1, 1, 3 वाली रेटिंग 1 दे रखी है, 4 वाली रेटिंग 2 दे रखी है, ठीक है, ये वाली और ये वाली, याद है हमने PCY एल्गोरिथम वगैरह किया था और एप्रायर एल्गोरिथम किया, दूसरे में क्या कर रहे थे हम, फ्रीक्वेंट आइटम सेट, हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे, जो फ्रीक्वेंसी हो रही है क्या हो रहा है यार, ये मैप रिड्यूस ही तो काम कर रहा है, हडूप भी इसी का इस्तेमाल करता है भाई, ठीक है, 5 की रेटिंग आपके 3 बार आ रही, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, दिस इज माई फ्रीक्वेंसी, दिस इज माई फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है भाई, समझे, FPS ड्रॉप क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, 2, 2, 1, 2, 3 इस तरह से, तो ये मैप पहले मैपिंग कर दी एंड देन रिड्यूस किया, तो इसको हम कहते हैं टोटल हम क्या कहते हैं, मैप रिड्यूस, तो ये मैप रिड्यूस का कॉन्सेप्ट आ गया। चलिए अब कैसे, अब मूव करते हैं आर प्रोग्रामिंग की तरफ, हम कैसे परफॉर्म करें डेटा एनालिटिक्स यूजिंग आर, ये लिंक बच्चे आप लोग इसको
डाल दो अपने इसमें अपने ब्राउजर के, पुट दिस इन योर ब्राउजर d8 विद r, एड्रेस बार में अपना पुट कर दो इसको, इसको हम आगे काम करेंगे। ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाया। नेक्स्ट लेकर आऊँगा आर लैंग्वेज के ऊपर, लेकर आऊँगा आर लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। बेसिक कवर करेंगे अपन, कैसे काम होता है, इसके फंक्शन कैसे लिखे जाते हैं। आर फंक्शन लिखने को आएगा एग्जाम में, हमेशा आएगा, राइट एन आर फंक्शन फॉर दिस, तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो बिना कुछ देर करे अब इसको हम यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, और इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आऊँगा आर प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो कमेंट सेक्शन में भर दो, कमेंट सेक्शन जितना जब भी आते हो कमेंट्स में भर दिया करो यार, और मुझे बता देना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और मुझे बता देना, ठीक है। कमेंट्स नहीं करोगे नहीं पता लगेगा फिर। नाउ कमिंग बैक टू माई सेल्फ, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वापस, यहाँ पर आ गया। ओके देन, तो कैसा लगा वीडियो अभी तक, शॉर्ट में बताया मैंने, और जो भी रेफरेंसेस है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये लिंक्स भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। हाँ दे देता हूँ मैं कर दूंगा यहाँ से कॉपी पेस्ट पर, मैं अभी ध्यान रख के मैं कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और क्योंकि डिस्क्रिप्शन मुझे इसका म्यूज़िक को भी देना है, तो थैंक यू जिसने भी म्यूज़िक दिया है, थैंक यू सो मच, उसको भी क्रेडिट, तो सबको क्रेडिट देते हुए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा। इधर आपको मिल जाएगा जो लास्ट वीडियो था वो मिल जाएगा, और इधर आपको मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपको लास्ट वीडियो देखना है तो इधर के लिए जाइए, और प्लेलिस्ट के लिए जाना है तो इधर जाइए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हम इसको वीडियो को यहीं एंड करते हैं।